सो वेलकम बैक टू माई चैनल माई डियर फ्रेंड्स, आई एम फादर जोमिस और अभी हम फादर लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं सूला विनयार्ड, जहाँ पे वाइन बनता है सूला वाइन। तो अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए यहाँ पे, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और टिकट का रेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टिकट का रेट यहाँ पे वीकडेज में 600 रुपीज़ और यहाँ पे जो बाकी जो वीकेंड में जो है 1000 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे। और यहाँ पे वाइन टेस्ट करने को भी दिया जाता है और इस तरह से अभी यहाँ पे टिकट निकाल रहे हैं वहाँ पे। एंड ये है जो एरिया, ओके थिंग्स टू डू इनसाइड, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। वो देखिए हिस्टोरिकल साइट सूला वास नासिक फर्स्ट वाइनरी एंड एस्टैब्लिश्ड 1999। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो, एंड अभी यहाँ से अपना एंट्री होगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो पूरे ग्रेप्स आपको दिखेंगे, किस तरह से यहाँ पे वाइन बनाया जाता है और कैसे प्रिजर्व किया जाता है, पूरा चीज़ यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे इस सूला वाइन के यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं, सभी फादर लोग यहाँ पे हैं। बड़े ही मतलब एक मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। अभी फादर थॉमस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ के, इसके बारे में कैसे बनाते देखने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन सूला विनयार्ड्स। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सूला विनयार्ड्स इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड इन 1999 मिस्टर राजीव समंत। Okay, it is almost 188 kilometers from city of Bombay. It is almost east Bombay. Yeah, the northeast part of Bombay. तो अभी यहाँ पे एक सूला का एक ये है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक फोटो क्लिक कर लेंगे हम लोग अभी। और देखिए इस तरह से ये जगह है, अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। और पूरा ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। और अभी हम थोड़ा अंदर जाते हैं। वैसे यहाँ पे इसका एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया है बॉटल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ इस तरह से यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं। जो यहाँ की जो खुशबू है, पूरा वाइन का खुशबू आ रहा है यहाँ पे। कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, फोटोग्राफ्स। ये आपको गिफ्ट शॉप दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं। थोड़ा टर्न करता हूँ, तो जिस तरह से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे गिफ्ट्स आपको दिख रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ सूला, देख सकते हैं गिफ्ट्स वगैरह। यहाँ पे आपको वाइन मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, पूरा यहाँ अलग ही प्रकार का खुशबू है। यहाँ से अगर हम नीचे ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एक ऐसा रेस्टोरेंट सामान है, यहाँ पे पूरा फूड वगैरह भी खा सकते हैं यहाँ पे, और जिसको वाइन चाहिए वाइन भी पी सकते हैं। और आपको यहाँ का पूरा जो गार्डन है दिख जाएगा, वाइन पूरा ग्रेप्स, आपको जूम करके दिखाता हूँ वहाँ का बॉटल। देखिए काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं। उस तरफ पानी है शायद, ये हमको पूरा वहाँ का टूर कराएंगे तो उसका भी टिकट लिए हुए हैं। अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, रूम है यहाँ पे, सबसे पहले हमको वीडियो दिखाया जाएगा यहाँ पे, इसका टूर कराएंगे यहाँ पे। वेलकम टू सूला विनयार्ड्स। आई एम राजीव सामंत, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सूला, एंड ऑल ऑफ अस वेलकम यू टू योर टाइम हियर एट आवर ब्यूटीफुल विनयार्ड। एंजॉय, टेक सम टाइम,
learn about this beautiful beverage called wine. तो अभी यहाँ पे वो वीडियो को देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन अभी देखिए. आप यहाँ पे ग्रेप्स वहाँ पे क्रश करके लेके आया हुआ है, और ये ट्रक में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका प्रोसेस जो हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से मशीन में जाता है, और आप देखिए यहाँ पे वाश हो के आ रहा है. देख सकते हैं इस तरह पे यहाँ पे ये स्टोर किया जाता है. अभी वहाँ पे बहुत ही प्यारा खुशबू आ रही है यहाँ पे वाइन का, और अभी यहाँ पे हमको थोड़ा इसके बारे में बताएंगे. ये थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए. फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से बनाया जाता है यहाँ पे, और ये है वो जगह जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है. तो देख सकते हैं इस तरह से कितने सारे टैंक्स है जहाँ पे वाइन कलेक्ट किया जाता है. ये पूरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रेप्स भैया थोड़ा एक मिनट दिखाए, ग्रेप्स ये जो दिख रहा है आपको ग्रेप्स, देखिए यहाँ पे भी अंदर में भी है. काफी कूल है यहाँ पे, मस्त. ये इतने सारे ग्रेप्स यहाँ पे, सूखा वाला ग्रेप्स दिख रहा है ये पूरा. यहाँ पे चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं इसको. फ्रेंड्स, अभी यहाँ थोड़ा अंधेरा है, इसको बोलते हैं एजिंग रूम. यहाँ पे है जो वाइन काफ़ी सालों तक यहाँ पे रखा जाता है. आप देख सकते हैं पूरे वाइन यहाँ पे रखा हुआ है, काफ़ी साल से रखा हुआ है. यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, दिस इज़ कॉल्ड एजिंग रूम. सो आप देख सकते हैं यह है पूरा एजिंग रूम, यहाँ पे काफ़ी सालों से ये रखा हुआ है यहाँ पे. एजिंग रूम देख लिया है, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे वाइन टेस्ट करने के लिए. सबको यहाँ पे चांस दिया जाता है वाइन टेस्ट करने के लिए, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे. तो अभी वहाँ पे जब जा रहे हैं, फ्रेंड्स इस तरह से मैं अभी ये सुला विनयार्ड का जो यहाँ का जो ब्लॉग था मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ. तो आपने देखिए यहाँ पे कैसे ये वाइन का प्रोसेस होता है. तो ये था सुला विनयार्ड. तो अभी हम अगली जगह मिलेंगे, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर मैं अभी अगला ब्लॉग बनाऊंगा, तब उसमें हम देखते हैं. चलो बाय. तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे खुद से ही हो. तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी आशिकी. जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं